देख रहे हैं विश्व न्यूज, मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच जंग और तेज हो गई है इस खबर के बाद कि रूस ने भारतीय नागरिकों सहित तमाम नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने के लिए 5 घंटे से अधिक समय के लिए युद्ध में एक छूट दी, एक ढील दी, जिसे आप कह सकते हैं कि उन्होंने थोड़ी देर के लिए युद्ध विराम की स्थिति बनाने की घोषणा की, लेकिन वो भी समाप्त हो चुका है समय। इतने कम समय में युद्धरत यूक्रेन से लोग कैसे निकलेंगे, एक बड़ा सवाल है। लेकिन इतने समय की छूट रूस ने दी ये दिखाने के लिए कि वो मानवीय जरूरतों और मानवीय सुविधाओं के बारे में युद्ध के इस स्थिति में भी ध्यान रख रहा है। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दबाव बनाने के लिए रूस भी कुछ इस तरह का पहल कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन बराबर इस बात को साबित करने की कोशिश कर रहा है कि रूस के बड़े आक्रमण को झेलते हुए न सिर्फ वो डटे हुए हैं, उनकी सेना लड़ रही है, बल्कि अब रूस को तबाह करने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। उधर राष्ट्रपति जेलेंस्की यूक्रेन में हैं या नहीं, अभी भी इस खबर की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जेलेंस्की के इशारे पर उनकी सेना, उनके आर्मी कमांडर्स काम कर रहे हैं, ये सब कुछ दिख रहा है उन तस्वीरों के जरिए। अब हम आपको सबसे पहले 10वें दिन जो अपडेशन है इस पूरे वॉर जोन की, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो न्यूज अपडेट के उस पूरे ग्राफिक्स को स्क्रीन पर लाएं। न्यूज अपडेट के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि वास्तव में क्या क्या घटनाक्रम आगे बढ़ा है 10वें दिन। तो आप अपने स्क्रीन पर ये देख रहे हैं, यूक्रेन ने जर्मनी से मांगे टैंक और अन्य हथियार, रूसी सेना ने ओडेसा में एक पुल को उड़ा दिया। हम अभी आपको बताएंगे कि ओडेसा की स्थिति क्या है, समुद्र तटीय क्षेत्र है ये, तो ओडेसा में एक पुल को भी उड़ा दिया गया है। रूसी सेना ने 500 से ज्यादा मिसाइल दागी है, ये पेंटागन, अमेरिका के पेंटागन का दावा है, वहां के रक्षा प्रतिष्ठान और हेडक्वार्टर पेंटागन ने ये जानकारी दी है, अमेरिका के 500 मिसाइलें दागी गई है। पूर्वी यूक्रेन पर रूस का ड्रोन अटैक हुआ है, आइदर बटालियन तबाह हो गया है। यूक्रेन का चेर्निहाइव सुमी में रूस ने हमले को तेज कर दिया, कीव के इरपिन में अस्पताल पर भी बमबारी की है, युद्ध नियमों के खिलाफ है, लेकिन रूस ऐसा कर रहा है। ये सातवीं जानकारी हम आपके सामने ला रहे हैं, और ये है कि बुका में रूसी सैनिकों ने फायरिंग की, 2 लोगों की मौत हुई है। बुका में रूसी सैनिक एंट्री कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे थे, और जब कुछ लोग उसका रेजिस्ट किया, उन्होंने विरोध किया, तो गोली चलानी पड़ी, 2 मारे गए। और ये 8वीं जानकारी, यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए रूस ने सीज फायर का ऐलान किया, हालांकि वो समय सीमा अब समाप्त तो होती हुई नजर आ रही है। ये ताजा अपडेशन है। और 9वीं प्रमुख जानकारी है, डोनेट्स, मारियोपोल और अजोव में सीज फायर का जो ऐलान किया गया था, उसमें नागरिकों को सुविधा और सहूलियत मिल सके कुछ समय, कुछ घंटे के लिए, इसको रूस ने ध्यान रखा। और 10वीं जानकारी, कीव के पास मरखलेवका गांव पर रूस का हवाई हमला हुआ है, 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। तो कीव और कीव के इर्द गिर्द के शहरों को तबाह कर रहा है रूस की सेना। 11वीं जानकारी, G7 देशों का दावा कि रूस ने यूक्रेन पर क्लस्टर बम बरसाए, ये दावा अब उसकी पुष्टि हो रही है, तमाम उन बर्बाद शहरों और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की तबाही इस बात की गवाही दे रही है कि क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया है। ये 11वीं प्रमुख जानकारी। और 12वीं जानकारी, रूस के 10,000 सैनिक मारे गए, 40 फाइटर प्लेन और 40 हेलीकॉप्टर गिराए गए, ये यूक्रेन का दावा है। हम इस वॉर अपडेशन में आपको रूस और यूक्रेन के दावों की भी जानकारी दे रहे हैं। और 13वीं बड़ी जानकारी है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री ने की रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग। ये एक राजनीतिक मिशन है जो यूक्रेन की तरफ से तेजी से चलाया जा रहा है सिंपैथी गेन करने के लिए। और 14वीं प्रमुख जानकारी है, विदेश मंत्रालय ने भारतीय छात्रों को दी सेंटर में रहने की सलाह, क्योंकि बमबारी कभी भी और किसी भी जगह और किसी भी स्थिति में हो रही है और उसकी जद में छात्र आ सकते हैं। 15वीं जानकारी, देश के लिए जंग लड़ने यूक्रेन लौटे दूसरे देशों में रह रहे
शहरों में बमबारी शुरू कर दी गई है। तो इन प्रमुख वॉर अपडेशन के जरिए आप समझ सकते हैं कि रूस और यूक्रेन ने किस तरह के वो सारे हथकंडों का इस्तेमाल करना शुरू किया और अभी वो उसको जारी रखे हुए हैं, ये जानते हुए कि वॉर को अब सीमित नहीं किया जा सकता। रूस ने हमले तेज कर दिए हैं और स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर और उन महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर बमबारी तेज कर दिया गया है। साथ ही साथ उनकी पैदल सेना और वायु हमले एक साथ एक रणनीति के तहत किसी शहर पर और अब कई शहरों को एक साथ निशाने बनाने की रणनीति पर रूसी सेना आगे बढ़ रही है, क्योंकि क्यू पर अभी फाइनल कब्जा नहीं किया गया है। ये जानते हुए कि अगर रूसी सेना क्यू में एंट्री करेगी तो उसे भारी रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा और उस स्थिति से बचने के लिए सबसे पहले रूस की सेना की कोशिश है कि हवाई हमले के जरिए क्यू में तैनात यूक्रेनी सैनिकों की पूरे रणनीति को ध्वस्त कर दिया जाए, उनके रक्षा के लिए बनाए गए सुरक्षात्मक लेयर को खत्म करने तबाह करने की रणनीति पर अब रूस आगे बढ़ रहा है। तभी क्यू में उसकी सेना एंट्री करेगी, क्योंकि क्यू में जो सेना एंट्री करेगी उसमें बख्तरबंद गाड़ियों के साथ बड़े बड़े टैंक्स भी होंगे और जब वो स्ट्रीट में टैंक्स की एंट्री होगी वहां पर स्ट्रीट फाइटिंग में रूसी सेना को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है और मनोवैज्ञानिक रूप से उसमें रूस की सेना पस्त हालत में जा सकती है। इसलिए इस स्थिति को बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं अपनी तस्वीरों स्क्रीन पर आ रही तस्वीरों के जरिए और ये कुल 6 तस्वीरें आपको ये बताने के लिए काफी हैं कि कितनी तबाही मचाई जा रही है रूस के सैनिकों की तरफ से। एयरपोर्ट पर यूक्रेन का झंडा लगा हुआ है क्योंकि इस एयरपोर्ट पर रूस के सेना का कब्जा का दावा और यूक्रेन का झंडा अभी भी इस बात की तस्दीक की यूक्रेन का वर्चस्व कम से कम यहां बना हुआ है। और इसके साथ ही आप दूसरी तस्वीर में देखिए तो सड़कों पर रूसी टैंक किस तरह से यूक्रेन के सभी शहरों में आगे बढ़ रहे हैं और तीसरे तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं कि रूस का एक मिसाइल अटैक होता है और इस अटैक के बाद वहां दहशत की स्थिति और वहां विस्फोट की स्थिति को भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस जंग में यूक्रेन किस तरह से तबाह हो रहा है, जल रहा है, हर एक शहर में जगह जगह उठता धुएं का गुबार, तबाही का मंजर खुद ही बयां कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। चौथी तस्वीर, और शहरों पर जिस तरह से बमबारी की जा रही है, बमबारी के बाद विस्फोट और विस्फोट के बाद उठते धुएं के गुबार, ये बयां कर रहे हैं कि यूक्रेन का हर शहर सीज फायर से पहले अंतिम विकल्प के तौर पर इस स्थिति में लाने की कोशिश रूस की है कि यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो जाए, उसके सभी प्रमुख रणनीतिक और रक्षा संस्थान बर्बाद हो जाएं। ये इन 5 तस्वीरों के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की है। ये आप देख सकते हैं एयरपोर्ट पर यूक्रेन का झंडा है और दो मुल्कों की यह लड़ाई किस कदर आगे बढ़ रही है ये आप देखिए। उसको रोकने की भी बात की जा रही है कि युद्ध को रोकिए, पुतिन को रोकिए, लेकिन ये सारी बातें सिर्फ एक विरोध के तौर पर तो अच्छी लगती हैं, लेकिन लड़ाई हो रही है, यूक्रेन तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। इस खबर के साथ कि यूक्रेन की सेना और वहां के नागरिक रेजिस्ट करने के लिए, प्रतिरोध करने के लिए हर दिन एक नए उत्साह और उमंग के साथ अपने देश को बचाने की बात करते हुए तस्वीरों में दिख तो रहे हैं, लेकिन वो एक सिंबॉलिक प्रतिरोध है। वास्तविक प्रतिरोध की स्थिति में कहीं से भी यूक्रेन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक महाशक्ति का महाविनाश वाला ये मिलिट्री कार्रवाई, ये युद्ध का जो दौर चल रहा है उसमें यूक्रेन की
तबाही हो रही है। बड़ी बात यह है कि जेलेंस्की अपने देश की तबाही को देख रहे हैं, वो आश्वस्त कर रहे हैं अपने देश की सेना और नागरिकों को कि युद्ध वही जीतेंगे। इस आश्वासन पर वहां के नागरिक और सेना जेलेंस्की का साथ दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। और अब आप कुछ तस्वीरें देखिए जो आपको थोड़ी परेशान भी कर सकती हैं। ये सुमी शहर जहां पर हैवी शेलिंग की गई है, भारी बमबारी की गई है, मिसाइल अटैक्स हुए हैं रूस की तरफ से। ये सुमी शहर बिल्कुल रूस की सीमा से लगता हुआ क्षेत्र है और यहां पर भारतीय छात्र जो सेफ पैसेज अर्थात सुरक्षित गलियारे का इस्तेमाल करके रूस की सीमा पर पहुंचना चाहते हैं और वहां से भारत के लिए उड़ान लेना चाहते हैं, फ्लाइट्स लेना चाहते हैं, वहां की स्थिति देखिए कि ये छात्र किस तरीके से झंडा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि इनको 600 किलोमीटर की लंबी जर्नी, वो भी पैदल विषम परिस्थितियों में भूखे प्यासे रह के करनी पड़ रही है। लेकिन ये युद्धरत दो देशों के अंदरूनी हालात हैं और वहां पर इस स्थिति का सामना करना पड़ा है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से और अन्य रक्षा और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की तरफ से ये आश्वासन दिया जा रहा है कि उनको सेफ पैसेज दिया जा रहा है और किसी भी कीमत पर वो सुरक्षित वापसी कराने में उन्हें सफलता मिलेगी। लेकिन अभी फिलहाल उनके भारत या वतन वापसी की स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि 600 किलोमीटर का ये लंबा सफर उनके लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि कोई अनहोनी की परिस्थिति हमारे इन भाइयों छात्रों के साथ न हो पाए। और आप पहली तस्वीर में सुमी शहर की तबाही को देख सकते हैं। तो यहाँ पे भारतीय छात्र फंसे हैं और इस संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बागची ने भी बयान दिया है और वो बयान भी स्पष्ट है कि उनको सीज फायर के दौरान सेफ पैसेज दिया जाएगा और वो किसी भी कीमत पर वापसी उनकी सुनिश्चित कराई जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं वो फंसे हुए छात्र, वो हम आपको सुनवाते हैं। For Sumy State University, is the 10th day of war. Today we got the news that Russia has announced ceasefire to open humanitarian corridor for two cities. One of them is Mariupol, which is 600 kilometers away from Sumy. Since morning, we are constantly listening to bombarding, shelling, street fights. We are afraid. We have awaited a lot, and we cannot wait anymore. We are risking our life. We are moving towards border. If anything happens to us, all the responsibility will be from government and Indian embassy. If anything happened to us, to anyone, Mission Ganga will be your biggest failure. This is the last video from the Sumy State University students, and we are just risking our life and we are just going to this border which Russia has opened. So this will be our last request and last video, guys. Just pray for us and government, please let you guys know that we are just moving from our own risk. This is our last video. We need our government right now. Bharat Mata Ki Jai! तो ये भारतीय छात्रों की नाराजगी और उनकी मुश्किल भरी स्थिति को आप समझ सकते हैं, सहज अनुमान लगा सकते हैं कि कितना दर्द है। लेकिन ये युद्धरत दो देशों की स्थिति है जहां पर कहीं भी आप ये नहीं कह सकते कि वहां बमबारी नहीं हो जाएगी या कोई ऐसी अनहोनी या दुर्घटना ना हो जाए। कई ऐसे दृश्य हैं जहां आप खड़े भर होते हैं, कुछ समय इंतजार करते हैं और एक बम फट जाता है या एक मिसाइल अटैक हो जाता है, क्योंकि रूस का आक्रमण इतना सघन है, इतना तीव्र है, इतना प्रभावी है कि यूक्रेन का हर एक शहर उसकी जद में है और वो पल भर पलक झपकते ही वहां मिसाइल अटैक हो रहे हैं। और उसी अटैक्स के दौरान ये छात्र सेफ पैसेज की भी इन्हें दरकार है और उसकी अपेक्षा है, जिसके बारे में यूक्रेन और रूस दोनों के प्रतिनिधिमंडल के बीच में एक सहमति बनी है। लेकिन 600 किलोमीटर की यात्रा करना, वो भी 6 घंटे या 7 घंटे में, आप समझ सकते हैं कि ये कितना मुश्किलों भरा काम है। और बहुत ही मुश्किलों में ये हमारे छात्र, हमारे भाई वहां पर फंसे हुए हैं और इनको निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। ऐसे में इनकी नाराजगी और इनको अपने जीवन को लेकर के जो एक परेशानी की स्थिति बनी हुई है, मुश्किलों भरी स्थिति है, उसके बारे में इस तरह की अभिव्यक्ति
सामान्य है और इसे हम सहज समझ सकते हैं, लेकिन हम भी एक सीमा के आगे मजबूर हो जाते हैं क्योंकि दो देश लड़ रहे हैं, उन दोनों के साथ हमारे संबंध हैं और उसी संबंध का फायदा उठा करके हम उनको सुरक्षित गलियारा देने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में ईश्वर करे कि हमें पूरी सफलता मिले और हमारे किसी भी साथी, किसी भी देशवासी छात्र के साथ कोई भी अनहोनी ना हो पाए। हम ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकते हैं। हमने आपको जो स्थिति बताई उसके मुताबिक यूक्रेन का हर एक शहर जल रहा है, तबाह हो रहा है, रूस का प्रतिरोध कर रहे हैं वहां के लोग, वहां की सेना, ये सब आप स्क्रीन पर आप देखिए। लेकिन अब हम आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में रूस के आक्रमण से उनके कितने शहर तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। आप स्क्रीन पर आए इस मैप को देखिए, ये यूक्रेन का मैप है। आधिकारिक मैप पर वो जगह है जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, सुमी शहर जिसका अभी हमने जिक्र किया, ये आप देखिए, सुमी पर हैवी बमबारी, चर्निहाइव, खार्किव, लुहांस्क, दोनेत्स्क और जैप्रोजिया, मारियोपोल, ओडेसा, बोलनोवाखा, इरपिन, मल्टीपोल, खैरासन, बोलनावाखा, जैतोमीर, ये सब आप इस स्क्रीन पर आ रहे मैप को देखिए। रूस ने आधे यूक्रेन के प्रमुख शहरों को तबाह कर दिया है। अब आप एवी स्टार न्यूज के स्क्रीन पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन किस तबाही को झेल रहा है। आपको खबरों में सुनने को ऐसा लगता होगा कि इस शहर पर बमबारी की गई है। अब हम मैप के जरिए आपको बता रहे हैं कि वास्तव में कितनी तबाही हो रही है। रूस से सटा हुआ यह पूर्वी इलाका दोनेत्स्क और लुहांस्क को आप देखिए, प्रमुख शहर और राजधानी कीव के बारे में देखिए, सुमी शहर की उस स्थिति को देखिए, चर्निहाइव को देखिए और आप जैप्रोजिया को देखिए, जहां पर उन्होंने उनके परमाणु प्रतिष्ठान पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया। हालांकि यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि जैप्रोजिया में जिस परमाणु प्रतिष्ठान, ऊर्जा परमाणु प्रतिष्ठान, बिजली घर था और जिस पर कब्जा किया गया था, दुनिया के 10 बड़े बिजली घरों में से एक माना जाता है, उसको यूक्रेन के सेना ने फिर से गेन कर लिया है, उसको उनसे छीन लिया है। इस दावे और प्रतिदावे में कोई पुष्टि करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि ये सारी खबरें कभी ना कभी प्रोपेगेंडा के तहत दोनों पक्षों की तरफ से चलाई जा रही हैं। आप इस मैप पर देखिए, एवी स्टार न्यूज अब आपको मैप के जरिए यह बताने की कोशिश कर रहा है कि पूर्वी क्षेत्र यूक्रेन से लेकर पश्चिम के डीप वेस्टर्न इलाके में अब यूक्रेन के शहरों को तबाह करने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है रूस। आपके स्क्रीन पर जो ये मैप आ रहा है और उस मैप पर उन स्थानों और शहरों का जिक्र हमने किया है और उसको प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हैवी शेलिंग की जा रही है, यहाँ पर भारी बमबारी की जा रही है, मिसाइल अटैक्स किए जा रहे हैं, आर्मोर्ड इन्फेंट्री डिवीजन यहां पर बाकायदा पैदल सेना की भी कार्रवाई हो रही है। आप देख सकते हैं खार्किव को, जो यूक्रेन का वो शहर है, हम आपको अब भारत के हिसाब से समझाते हैं। भारत के मुंबई की जो स्थिति है वो वहां पर खार्किव की स्थिति मानी जाती है और खार्किव उनके आर्थिक गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। उस खार्किव शहर को खंडहर में तब्दील कर दिया है रूसी आक्रमण ने, ये आप देख सकते हैं मैप के जरिए। और इसी के बगल आप चर्निहाइव शहर सुमी की स्थिति को आप देखिए, यहां पर भी भारी तबाही पिछले 72 घंटों से रूसी सेना मचा रही है। आप इस मैप के जरिए देखिए कि किस रणनीतिक पूरे मॉडल से वो आगे बढ़ रहे हैं। एक मॉडल तैयार किया है रूस की सेना ने, रूस की सेना की जो एक रणनीतिक पृष्ठभूमि बनी है कि किस तरीके से पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र को तबाह करना है। हम आपको बार बार दिखा रहे हैं कि पश्चिम के डीप में अभी कुछ क्षेत्रों पर बमबारी नहीं हुई, इसलिए मैप में वहां पर कोई भी बमबारी या उस शहर का नाम हमने नहीं डाला है। अभी तक
10 दिन के भीतर जितने शहरों को तबाह किया है रूस ने, उसकी जानकारी आप देख सकते हैं। एक बार फिर हम आपको उनका नाम ले रहे हैं, आपके स्क्रीन पर वो मैप चल रहा है, आप देखिए। खारकिव, कीव, चेर्निहाइव, जेप्रोजिया, सुमी, मारियोपोल, ओडेसा, बोलेवाखा, इरपिन, मल्टीपोल, खेरासन, बोलनावाखा, जाइतोमीर। और इरपिन शहर का नाम आप बार बार सुन रहे होंगे, ये राजधानी कीव से बिल्कुल सटा हुआ है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आप इस बात को समझिए कि दिल्ली के बगल में जिस तरह से एनसीआर रीजन के गुड़गांव, फरीदाबाद या इस तरह के शहर है गाजियाबाद, ऐसे ही राजधानी कीव से सटा हुआ इरपिन या कुछ ऐसे 5 प्रमुख शहर हैं जिनको रूस ने पूरी तरह तबाह कर दिया है। कीव जो मुख्य राजधानी है, फर्ज करिए जैसे हमारी दिल्ली है, ऐसे कीव के सब एरिया में रूसी आर्मी एंट्री नहीं कर रही है। हमने आपको कारण बताया, वो ये कि रूसी सेना इसलिए एंट्री नहीं कर रही है क्योंकि भारी आर्मर्ड व्हीकल्स और डिवीजन पूरी उनकी सेना की है, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि 64 किलोमीटर लंबा कन्वॉय जो है वो सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए देखा गया था, वो सब कीव के इर्द गिर्द पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर ये पूरी की पूरी डिवीजन कीव में एंट्री करेगी तो रूस के इन सैनिकों को या इस कन्वॉय को अगर यूक्रेन की छिपी हुई सेना ने स्ट्रीट फाइटिंग में भारी नुकसान पहुंचाया तो ये बहुत बड़े खतरे का संकेत होगा। और इतना बड़ा नुकसान व्लादिमीर पुतिन जो राष्ट्रपति हैं रूस के, वो नहीं सह सकते। और उस स्थिति में हैवी शेलिंग हो सकती है, कोई भी युद्ध जो है वो ज़्यादा खतरनाक स्थिति में लाया जा सकता है। इसलिए उससे बचने के लिए पहले कीव के इर्द गिर्द शहरों को पूरी तरह से तबाह करने की रणनीति है, ताकि आर्मी का जो भी डिवीजन यूक्रेन स्पेशल आर्मी की कीव में डटी हुई है उसको घेरा जा सके और हथियार डालने के लिए मजबूर किया जा सके। इसलिए 10 दिन तक चले इस लड़ाई में मात्र 20 किलोमीटर दूर खड़ी रूस की सेना, उसकी पूरी डिवीजन कीव में एंट्री नहीं कर रही है, प्रवेश नहीं कर रही है। इस मैप के जरिए आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि पूर्वी यूक्रेन से लेकर के डीप पश्चिम के शुरुआती सभी शहरों को रूस ने तबाह कर दिया है। और इन्हीं शहरों में आपको समय समय पर एक दूसरे के खिलाफ जंग में आगे बढ़ जाने की खबरें प्रोपोगेट करके सामने लाई जा रही हैं, जबकि उसकी आधिकारिक पुष्टि करने की स्थिति में कोई भी नहीं है। जो भी खबरें हैं वो या तो वेस्टर्न मीडिया के जरिए या तो सोशल मीडिया के जरिए, हालांकि भारतीय कई खबरिया चैनल्स इस समय यूक्रेन में काम कर रहे हैं, लेकिन जो दृश्य और जानकारी दी जा रही है वो बेहद खतरनाक है। और इस खतरे को देखते हुए अब भारतीय छात्रों को सेफ पैसेज देने के वो सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उनके प्रयास में कितनी सफलता मिलती है ये रूस और यूक्रेन ही तय कर सकते हैं। क्योंकि बेलारूस में दो दौर की जो बातचीत चली है उसमें विदेशी नागरिकों विशेषकर भारतीय छात्रों की सकुशल वापसी के प्रति दोनों देशों में सहमति बनी हुई है। ऐसे में पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, इस जगह पर जो भी सेल्टर पॉइंट्स बनाए गए हैं वहां पर ये छात्र पहुंच रहे हैं। और अब रूस के बॉर्डर पर भी जो सुमी से मूवमेंट हुआ है छात्रों का, उनके पहुंचने की योजना है। कैसे और किस स्थिति में कब तक वो पहुंचेंगे और भारत में उनकी वापसी सकुशल हो जाएगी, तब तक भारतीयों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय फिलहाल ये बना हुआ है। अभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके मुताबिक 7,000 से अधिक छात्रों को 3 दिन के अंदर लाया जा सका है, लेकिन आने वाले कुछ 72 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जब छात्रों के लगभग 80-90% संख्या को भारत में लाया जा सकेगा, ये अनुमान है। लेकिन वो परिस्थितियां कब और किस स्तर पर बदल जाएंगी इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि समय समय पर
युद्ध के हालात बेहद खतरनाक होते जा रहे हैं। जो 5 घंटे की एक छूट दी थी रूस की सेना ने आक्रमण से, एक तरह से सीज फायर जिसे हम कह सकते हैं, वो स्थिति बनाई गई थी विदेशी नागरिकों के सेफ पैसेज के संदर्भ में, लेकिन वो सेफ पैसेज कितना कारगर रहा ये आने वाला समय बताएगा, और शायद तब ये स्पष्ट होगा कि सुमी शहर से निकले हुए वो लोग जो रूस की सीमा पर पहुंचेंगे और वहां से उनको भारत भेजा जाएगा, अगर वो सकुशल पहुंच जाते हैं, जिन छात्रों को आपने सुना उनके दर्द को और उनके आक्रोश को, ऐसा नहीं हुआ तो ये भारत के लिए बुरी खबर होगी। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रयासों से और रूस और यूक्रेन के सरकार के प्रयासों से उनके सामने कोई अनहोनी की स्थिति न उत्पन्न हो। ये एक प्रमुख अपडेट, एक प्रमुख जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और इस मैप के जरिए आपने देखा कि रूस के 13 प्रमुख क्षेत्र या शहर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, और वहां पर जगह जगह पर स्ट्रीट फाइटिंग हो रही है, लेकिन उस फाइटिंग पर तब विराम लग जाता है जब रूस के हवाई आक्रमण से पूरा का पूरा क्षेत्र दहल उठता है। कोशिश यह भी है रूस की कि एक परमाणु प्रतिष्ठान पर कब्जा करने के बाद 4 अन्य परमाणु प्रतिष्ठानों पर कब्जा कर लिया जाए, क्योंकि ये यूक्रेन के सरकार की और वहां की सेना की कोशिश है कि किसी न किसी एक परमाणु प्रतिष्ठान में कोई ऐसी घटना को अंजाम दे दिया जाए जिससे वहां पर परमाणु विकिरण का खतरा उत्पन्न हो जाए, और तब रूस को वॉर क्रिमिनल ही नहीं बल्कि परमाणु युद्ध छेड़ने वाले देश के तौर पर देखा जाए और पूरी दुनिया रूस के खिलाफ हो जाए। रूस इस स्थिति को बचाने के लिए जहां भी अटैक्स कर रहा है वो यूक्रेन के परमाणु प्रतिष्ठान जो ऊर्जा के प्रमुख केंद्र हैं उस पर कब्जा करने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन स्ट्रीट फाइटिंग में जिस तरीके से 66,000 से अधिक यूक्रेनी अब स्वदेश वापसी करके अपनी सेना के साथ लड़ने के प्रति आश्वस्त नजर आते हैं, उत्साहित नजर आते हैं, ये रूस को चिंता में डालने वाली खबर है। हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि स्ट्रीट फाइटिंग्स में कोई भी देश अगर हार रहा होता है तो उसकी जीत नहीं हो जाती, लेकिन हाँ, अगर वो आक्रमणकारी सेना को कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए रोकती है तो आक्रमणकारी सेना की पूरी रणनीति ध्वस्त हो जाती है। जबकि व्लादिमीर पुतिन अब जीत से कुछ ही कदम दूर हैं, ऐसे में यूक्रेन की सेना और वहां के नागरिक जिस भारी प्रतिरोध के विचार के साथ रूस की सेना के सामने और उसके बढ़ते हुए सैनिक वाहनों के सामने खड़े हो रहे हैं, वो बेहद चिंता में डालने वाली खबर है, क्योंकि इससे भारी संख्या में लोग हताहत होंगे, चाहे वो यूक्रेन की तरफ से हों या वहां के नागरिक हों या वहां के सेना के लोग हों या बढ़ते रूसी आक्रमणकारी सेना के वो लोग हों। जान तो लोगों की जाएगी, चाहे वो यूक्रेन के हों और चाहे वो रूस के हों, लेकिन ये युद्ध है और इस वॉर जोन में कुछ भी घटित हो सकता है। शायद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बात को पूरी दुनिया से बार बार बताने की ही कोशिश की है, और उनकी एकमात्र एक शर्त है कि अब जेलेंस्की और नहीं, जेलेंस्की के अतिरिक्त यूक्रेन में सब कुछ जायज है, लेकिन जेलेंस्की के साथ रूस आगे नहीं बढ़ सकता, और जब तक जेलेंस्की का वजूद है, जब तक जेलेंस्की के आदेश वहां पर प्रभावी हो रहे हैं, तब तक रूस नहीं मानेगा और आक्रमण करता रहेगा, क्योंकि इसके पीछे रूस ने यह साबित कर दिया है कि उसकी प्रभुसत्ता और उसके सीमा पर उसके शांति के लिए बड़ी चुनौती अमेरिका और वो नाटो के देश देना चाह रहे हैं, और उसके लिए जेलेंस्की को और यूक्रेन को एकमात्र हथियार के तौर पर वो उसका प्रयोग कर रहे हैं, और इस बात से रूस ने पूरी तरह से अमेरिका को भी समझा दिया है और उन्हें चेतावनी दी है और साथ ही साथ नाटो के देशों को, और इसके साथ यूएन और सिक्योरिटी काउंसिल में भी
ढेर सारे प्रतिबंधों की बात कर रही है, की जा रही है, लेकिन उस प्रतिबंध के मायने क्या हैं और उस प्रतिबंध का तात्कालिक असर, इन शब्दों पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा, उसका तात्कालिक असर फिलहाल ऐसा नहीं होने वाला जिससे रूस के आर्मी के बढ़ते कदम रुक जाएं। और फिलहाल तात्कालिक जरूरत यही है कि सीज फायर की स्थिति हो और दोनों शांति वार्ता की मेज पर आएं। पिछले 72 घंटों से शांति के कोई प्रयास फिलहाल नहीं हुए हैं, जबकि परमाणु हमले से पहले एक ट्रेलर के तौर पर परमाणु प्रतिष्ठान पर हमला करके उसे कब्जा करने का काम रूस की सेना ने किया है। क्या होगा आगे का रूस का प्लान नंबर 2 और अब स्ट्रीट फाइटिंग का स्वरूप क्या हो सकता है जो क्यू के इर्द गिर्द दिखाई पड़ रहा है, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तय मानिए कि जो कुछ भी अब यूक्रेन में हो रहा है वो यूक्रेन की बर्बादी का एक बड़ा इतिहास लिख रहा है। एवी स्टार न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।